गुरदास मान साहब के गीत सुनने के लिए लोग हमेशा एक्साइटेड रहते हैं, तो इस बार तो गुरदास मान साहब एल्बम लेके आए ने, तो उन्होंने एल्बम का एक गीत रिलीज़ कर दिया गया है जिसका ना है मैनी चूटी साउंड्स ऑफ सॉयल ना की जो एल्बम है उसके गीत जो है हौली हौली रिलीज़ हो रहे हैं। रीसेंटली इसकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गुरदास मान साहब ने मुंबई के कुछ गल्ला बातें हुई हैं इस एल्बम को लेकर, आओ थानू सुनाने। आपने पूछा कि क्या मूड है आज, मेरा ख्याल है इससे बड़ा खूबसूरत जो मूड है वो कुदरत का मूड है। मौसम सुहाना है, सामने इतना खूबसूरत अफसाना है क्योंकि ये अपने आप पे लिखा गया है आज, तो हमारे लिए ये एक नया जमाना है, ये एक नया दौर शुरू होने जा रहा है। अभी हम लोग पुराने हैं मगर अब काम नया करके दिखाएंगे और करने जा रहे हैं। ये हमारी टीम पूरी जो पूरी पीछे बोल रही है, एक टीम का वर्क है। अभी तो पहले हमारे पास ये चीज़ें नहीं थी और हम बहुत जगह पे जहाँ पे पहुँचना चाहिए था वहाँ नहीं पहुँच पाए, मगर अब हम पहुँचेंगे। पाजी आपका गाना जब था सोशल मीडिया नहीं था, कुछ भी नहीं था, आपके गाने के बिना शादी ब्याह में जब तक गाना नहीं मिलता था, बराते डोली कुछ नहीं मिलता था, आज भी मेरे क्या कहना चाहोगे उसके बाद? मेरे आहो भाग्य ये नवाजिश है उस मालिक की जिसने अभी तक इस किरदार को जिंदा रखा है, मेरे अंदर के किरदार को, जो एक शायर भी है, जो एक एक्टर भी है और लोगों को जो भी दिया है वो सब ने स्वीकार किया है, प्यार दिया है। बस उसी के लिए मैं हमेशा ही यही कहूँगा कि मैं तो शुक्र करता हूँ उसका। सतेंद्र पाजी पोस्टर की अगर बात करें तो मुझे नहीं लगता नया पोस्टर है, डफली हाथ में लेके आजकल पोस्टर बहुत रेयर ही मिलते हैं, वही चीजें याद आ रही है पुरानी। जी जी, डफली जो हाथ में है, जी जी, जो पहले गाने आते थे मान साहब के, वही पोस्टर उसी हिसाब से बनाया गया है, क्या कहना चाहते हो? ओनली आर्टिस्ट, बल्कि मुझे आर्टिस्ट से भी बड़े लगते और जिन्होंने ना तो अपना पहरावा चेंज किया पिछले मोर देन 4-5 डेकेड्स, ना अपना स्टाइल ऑफ सिंगिंग, ना म्यूजिश। इवन हमारे ग्रुप में आज भी बाबा जी के जो भोला जी हैं वो पिछले 45 साल से म्यूजिशियन पुराने और कुछ भी चेंज नहीं, तो डफ कैसे चेंज हो सकती? डफली तो बाबा जी का मेरा पहला था। यकीन मानिए जब आप एल्बम सुनेंगे तो हर गाने में खासियत है, हर गाने में खासियत, हर बोल में, क्योंकि मेरे सामने लिखे गए और ये बहुत बड़ी बात है जब हम गाना स्टूडियो में गाना बना हुआ हो और हम कहें कि कुछ नया करते हैं और उसी वक्त गाने को बनाया जाए तो ये बहुत बड़ी बात है। मैंने इतनी स्पीड और इतनी खूबसूरती लिखावट में और कलाकारी में मैंने नहीं देखी। मेलोडी आएगी, वापस आती है, क्योंकि हर चीज़ का एक सर्कल कंप्लीट होता है तो चेंज होती है दुनिया में। सो ये नेचुरल है, कुदरती है, क्योंकि आदमी सुन के वही चीज़ सुन के थक जाता है, अक जाता है, और जब पक जाता है ये फिर सोचता है यार कुछ वो चीज़ होनी चाहिए, जैसे रफ़ी साहब गाते थे, लता जी गाते थे, हैं पुरानी धुनें आदमी को उसी वक्त याद आ जाती हैं। अब किसी को मतलब को धुन याद करनी पड़े तो मतलब वो नहीं हो सकता। गीत आपको जब जब चलेगा तब पता लगेगा कि गीत ये है, मगर स्टार्ट से पता नहीं लगता। पहले लोग मतलब जो गीत बना के गए हैं पहले पता ओहो उड़ी जब जब जुल्फें वो मतलब ऐसा ही जरूर उसका म्यूजिक ही पहले आता ओपी नैयर साहब, इसीलिए इसका नाम साउंड ऑफ सॉयल रखा गया। मैं बताऊं कि जब मैंने पहला गीत दूरदर्शन पे जो रिकॉर्ड हुआ था वो कुदरत की बड़ी नवाजिश थी मेरे लिए, मैं दूरदर्शन का हमेशा आभारी रहूँगा कि मुझे उस पर दिखाया गया और लोगों तक पहुँचाया गया। दूरदर्शन मतलब ने नज़दीक कर दिया दिलों को, तो पाकिस्तान से सबसे ज़्यादा चिट्ठियाँ आई मुझे दूरदर्शन वालों ने दिखाई गई, यार तेरे फैंस देखो कहाँ कहाँ हैं, तो उनकी फरमाइश है कि उस मुंडे को दोबारा, उस लड़के को दोबारा से गवाओ, उनका दोबारा गीत शुरू, दो गीत बन गए। फिर दिल का मामला आया, फिर दिल का मामला तो ऐसा बना कि आज तक हमारे तुम्हारे सबके दिल का मामला बन गया, और मेरे लिए क्योंकि दिल सेंट्रल गवर्नमेंट है ये जिंदाबाद रहने चाहिए।
आज से कुछ साल पहले रोटी भी इन लोगों ने की थी, रोटी एक एल्बम का नाम था। उस वक्त जब हम रोटी कुछ लिखा नहीं था, किसी गाने की धुन बन रही थी और शाहजी ही बना रहे थे, बैठे हुए थे, तो रोटी आ गई, खाना आ गया, लेके आ गया, तो ये अपने इन लोगों ने बोला खाना बाद में खाएंगे, बाद में खाएंगे, रहने दीजिए। तो हम अपना बाजा, मैं कहा प्लीज शाहजी ये रोटी है, किसी को मिलती है किसी को नहीं मिलती है, हमारे सामने खड़ी है, इसको स्वीकार कर लीजिए, क्योंकि अन्न का अनादर नहीं करना चाहिए। सो रोटी, फिर उसके ऊपर पूरे देखा, पूरा सॉन्ग लिखा रोटी का, फिर उसका नाम ही टाइटल ही रख दिया रोटी, आज मिट्टी है इसका नाम, साउंड ऑफ सॉयल, वो रोटी थी। मर जाने माना बेड़ा नद दी थी आमना, नद गागो बाचिया नू असा नहीं थी आमना, लबे गागा बाचिया नू असा नहीं थी आमना, फिर की करेगा पिछों कापियां फरोल के, फिर की करेगा पिछों कापियां फरोल के, मैं ही झूठी पै जुवे माया उच्चा दीवा बोल के, दिल ता करे मैं गुस्सा कट देवा खोल के, दिल ता करे मैं गुस्सा कट देवा खोल के। या यो थैंक यू।